जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको धन प्राप्ति के उपाय बताने जा रहा हूँ। क्या होता है कि धन के अभाव में व्यक्ति के अंदर निराशा आ जाती है, और निराशा आने के बाद व्यक्ति के अंदर बहुत सारी तकलीफें आने लग जाती हैं। वो किसी भी चीज़ का सामना नहीं कर पाता है, हर चीज से मुंह छुपाने लग जाता है, भागने लग जाता है, और ऐसा करने से उसके बनते हुए काम भी बिगड़ने लग जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ धन के अभाव से। तो यदि व्यक्ति ऐसे कुछ उपाय करता है कि जिससे दोबारा से उसके पास में पर्याप्त मात्रा में धन आने लग जाता है, तो फिर उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक सोच आने लग जाती है, फिर वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होने लग जाता है, और जब कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो हर कार्य में उसको सफलता मिलने लग जाती है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, अंक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र व्रत त्यौहार पूजा विधि इत्यादि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए बताता हूँ आज का उपाय कि व्यक्ति क्या करे कि वो निर्धनता से दूर हो जाए और धीरे धीरे करके धनवान हो जाए, या ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि वो काफी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लग जाए। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन शाम के समय यदि गौरी शंकर रुद्राक्ष, जो शिवजी को अति प्रिय है, बहुत प्रिय है, यदि गौरी शंकर रुद्राक्ष कोई व्यक्ति शिवजी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर यदि चढ़ाता है, तो इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, और बहुत ही जल्दी माता लक्ष्मी का ऐसे व्यक्ति के घर में वास हो जाता है। और जिस किसी भी व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा, वो व्यक्ति स्वतः ही अपने आप जिस किसी भी काम में हाथ डालेगा, उस काम में उसको सफलता मिलने लग जाएगी। दोस्तों, ऐसा ही है यदि शनिवार के दिन शाम के समय आप पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाते हैं, तो ऐसा करने से चारों तरफ से धन वृद्धि के योग बन जाते हैं। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन के योग बन जाते हैं, और इसके बाद व्यक्ति जो कोई भी कार्य प्रारंभ करता है, हर कार्य में उसको प्रॉफिट होने लग जाता है, लाभ मिलने लग जाता है। ये उपाय से यदि आपने किसी को कर्जा दिया है, कहीं पर आपका पैसा फंसा है, तो वो पैसा भी आपका बहुत जल्द लौट करके आ जाता है। दोस्तों, यदि आप शुक्रवार के दिन 3 नई झाड़ू खरीद करके लेकर आते हैं, यदि 3 नई झाड़ू आप शुक्रवार के दिन खरीद कर लाते हैं, तो उसमें से एक झाड़ू को उसी दिन आप कहीं पर भी लक्ष्मी मंदिर में आप दान करते हैं, दूसरी 2 झाड़ुओं को आप आपके घर में जहां कहीं भी पूजा का स्थान हो उसके नजदीक उसके समीप रखते हैं, दोनों झाड़ू की आप पूजा करें और पूरी रात वहां पर रखे रहने दें, उसके बाद उसमें से एक झाड़ू को दूसरे दिन से लेकर के अपने घर में यूज करने लग जाएं, और एक झाड़ू को वहीं पर रख करके नित्य उसकी पूजा करें। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, और ऐसे व्यक्ति के घर में धन आने लग जाता है, उसे धन लाभ होने लग जाता है, और उसे धन योग बनने लग जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, ये 3 उपाय हैं, इसमें से कोई भी आप एक कर सकते हैं या तीनों कर सकते हैं। तीनों ही लाजवाब उपाय हैं, बहुत ही दमदार उपाय हैं। इन उपायों को करने से आपकी कितनी भी बड़ी धन की समस्या होगी तो देखते ही देखते चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश, और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।